हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि एक दिन में और एक ही टाइम पे आपके दो पेपर दे दिए गए। सो आप एक ही टाइम पे और एक ही समय पे दो पेपर्स तो अटेंड नहीं कर सकते। सो इसका क्या सॉल्यूशन है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके एक ही दिन में तीन पेपर दिए हुए हैं। अब ऐसी उलझन का, ऐसी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिनकी होल टिकट कुछ इस टाइप की नज़र आ रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इग्नू की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। और इनमें से ज़्यादातर 80-90% स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर ईमेल के ज़रिए, या फिर आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि क्या हमें प्रमोट कर दिया गया या नहीं किया गया। दोस्तों, आप अपना होल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी होल टिकट एज इट इज है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी टाइप की आपकी अगर होल टिकट दी हुई है, आपकी होल टिकट में आपके एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं दी हुई, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इग्नू की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। आप सभी को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, आपको एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखा होगा, इनरोलमेंट नंबर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशंस दिसंबर 2020 एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 10th December 2020। और इसके नीचे आपके सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे, किन किन सब्जेक्ट कोड के लिए आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि हमारा कन्फ्यूज़न है, इसे दूर कर दीजिए। सो दोस्तों, आप ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स की इस टाइप की हॉल टिकट ओपन हो रही है, उन सभी को एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम्स देने से छूट दी जाती है, आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। आपके मार्क्स जब आप सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, उसके बाद में आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाएंगे। और ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो ओल्ड स्कीम वाले हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले, जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, जब आपका फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स को भी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। अभी बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एक ही दिन में एक ही टाइम पे दो एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, उनके बारे में। जैसे कि आप ये एक होल टिकट देख लीजिए, ये कैसे स्टूडेंट है जिनका 6 मार्च को ईपीएस 11 और ईएसओ 11 दोनों दिए हुए हैं आफ्टरनून सेशन में। सो एक ही टाइम पे एक स्टूडेंट दो एग्ज़ाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये 3-3 आवर्स के हैं, 3-3 घंटे के हैं ये एग्ज़ाम। अब एक नेक्स्ट स्टूडेंट की होल टिकट देख लीजिए, इनके भी दो एग्ज़ाम EHI 01 और EPS 11 दोनों 6 मार्च को हैं आफ्टरनून सेशन में। अब ये स्टूडेंट भी यहाँ पे इसके दोनों के लिए अपीयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है जिनके की 3 एग्ज़ाम दिए हुए हैं सेम डेट को, 10th फेब को इनके 3-3 एग्ज़ाम दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से एक एग्ज़ाम इनका मॉर्निंग सेशन में है और दो एग्ज़ाम आफ्टरनून सेशन में है। सो इन तीनों में से एक एग्ज़ाम ये मॉर्निंग सेशन में इजीली दे सकते हैं, और दो एग्ज़ाम जो आफ्टरनून सेशन वाले हैं उनमें से ये एक एग्ज़ाम आफ्टरनून सेशन में भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी काफ़ी प्रॉब्लम है, वो अभी एक बार आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जो सबसे पहला स्टूडेंट है जिनकी होल टिकट मैंने आपको दिखाई, इनके बारे में बात करते हैं। इनके दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं EPS 11 और ESO 11। इसमें दोस्तों, आप अगर इग्नू को गलत ठहराएंगे, इग्नू की अगर कमियां निकालेंगे, तो हो सकता है कि इग्नू की बहुत कमियां हैं, लेकिन यहां पे इग्नू की गलती नहीं है, क्योंकि इनका EPS 11 और ESO 11 दोनों सब्जेक्ट अलग अलग ईयर्स के हैं। आप अगर इनका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं EPS 11 इनका सेकेंड ईयर का है और ESO 11 फर्स्ट ईयर का है। सो जब अलग अलग ईयर्स के आपके पेपर्स क्लैश होते हैं, तो उनको इग्नू की तरफ से क्लैश पेपर नहीं बोला जाता। अगर आपके अलग अलग साल के पेपर्स क्लैश हो रहे हैं, तो उनको क्लैश नहीं बोला जाएगा, और इसमें इग्नू की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से एक पेपर को अभी अटेंड कर लीजिए, और दूसरा पेपर आप जब भी नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे उस टाइम पे अपीयर कर पाएंगे।
ऐसे ही दोस्तों ये जो दूसरे स्टूडेंट हैं इनकी भी होल टिकट में जैसे मैंने बताया EHI 01 और EPS 11 दो पेपर क्लैश कर रहे हैं। सो इन दोनों को भी आप अगर इनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में चेक करते हैं तो EPS 11 इनका फर्स्ट ईयर का है और EHI 1 इनका सेकेंड ईयर का है। सो यहाँ पे भी इनके पेपर को क्लैश पेपर नहीं बोला जाएगा। आप इन दोनों में से जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसे अभी दे दीजिए और जो एक बच जाएगा उसे आप नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अपीयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। दोस्तों अभी एक ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जहाँ पे कि इन स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है, ये टोटली इग्नो की गलती है। अब इसके लिए ये क्या कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए इन स्टूडेंट के तीन पेपर हैं, तो इनमें से FST 01 जो फर्स्ट है जो मॉर्निंग सेशन में है इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद में बच गया EPS 09 और BECE 016, इन दोनों को 10 फेब को आफ्टरनून सेशन में शेड्यूल किया गया है। अगर आप इनका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करते हैं तो यहाँ पे इनके ये दोनों सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर के हैं, आप देख पा रहे हैं EPS 9 और BECE 16। सो ऐसे केस में ये इग्नो की गलती है और ये स्टूडेंट इसके लिए इग्नो को कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि अभी आपकी होल टिकट जारी कर दी गई है तो चांसेस है कि इसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एटलीस्ट इग्नो को कंप्लेन कर सकते हैं अपना फीस रिफंड के लिए। दोस्तों इग्नो की तरफ से बोला जाता है कि कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उन ग्रुप का एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी और इसकी वजह से ये स्टूडेंट को अभी 6 महीने लेट अपना एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों इसके लिए आप किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं वो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सिंपली आपको इग्नो का ऑफिशियल पेज igno.ac.in ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको ओपन करना है स्टूडेंट सपोर्ट, इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट ग्रीवेंसेज, आप इस पेज को ओपन कर लीजिए। ये इग्नो का आईग्राम वाला पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंसी कैटेगरी, इसमें आप अपना जो भी कंप्लेन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक दिया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके और इग्नो को कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम फी रिफंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में आप अपना होल टिकट का एक फ़ोटो भी यहाँ पे उसमें अपलोड करेंगे और इस तरीके से आप इग्नो से अपना फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इग्नो का एक मेल आईडी दिया हुआ है उस पर भी मेल करके इग्नो को इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वाला पेज था इसी पेज में आपको एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, होम टू कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग नॉन रिसीप्ट ऑफ द कंट्रोल नंबर और अबाउट द स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म प्लीज़ सेंड एन ईमेल टू termandexam@igno.ac.in या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके और पता कर सकते हैं। हो सकता है कि इग्नो की तरफ से आपको यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। इसलिए दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है वो सभी स्टूडेंट्स इस टाइप से अपनी क्वेरी यहाँ पे रेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम इग्नो के साथ में साझा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।